तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल फंक्शन। देखो बच्चों स्पेशल फंक्शन में ये कोई नई चीज़ नहीं होती है, हम लोगों ने जो चीज़ें पहले पढ़ी हैं उन्हीं को थोड़ा चेंज करके एक नए नए फॉर्म में यहाँ पर बच्चों लिख दिया जाता है, इसलिए इसको हम स्पेशल फंक्शन कहते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे क्या होता है इसमें कई टाइप की अलग अलग चीज़ें आती है, लेगेंड्रे पॉलीनोमियल है, बेसल्स है, ठीक है, हर्माइट पॉलीनोमियल है, इस टाइप के अलग अलग पॉलीनोमियल आते हैं। देखो बच्चों जैसे कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस टू एक्स वाई डैश प्लस एन एन प्लस वन इंटू वाई बराबर जीरो, इसका सोल्यूशन इस टाइप का कुछ होता है। तो मतलब अब ये सोल्यूशन कैसे आया, क्यों आया, ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसको हम नहीं समझेंगे। हम अभी चूंकि इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं तो कोई बहुत लेंदी प्रूफ या बहुत लंबे लंबे एक्सप्रेशंस करने की यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हम लोग मेन मेन रिजल्ट देखेंगे और उस पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन बहुत लेंदी प्रूफ अभी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। तो बच्चों इसका सोल्यूशन जो है कुछ इस टाइप का यहाँ पर होता है, है ना, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो ध्यान दो, ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग लेगेंड्रे इक्वेशन भी कहते हैं, है ना। ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग लेगेंड्रे इक्वेशन कहते हैं। देखो ध्यान दो, ये जो पी एन और क्यू एन है इसकी वैल्यूज हमको बच्चों याद रखनी होंगी। देखो ध्यान दो, पी एन जो है PNX या जिसको हम खाली PNB कई बार लिखते हैं, तो PNX की बच्चों जो वैल्यू है ये होती है देखो 135 से लेकर के 2n-1 और नीचे हो गया n factorial। देखो ऊपर क्या है, n टर्म्स है, 135 का अगर आप nth टर्म निकालोगे तो 2n-1 आएगा और नीचे क्या है बच्चों, n factorial है। इसके बाद देखो यहाँ पर आता है x की पावर n माइनस एन इंटू एन माइनस वन और साथ में यहां पर आएगा x की पावर n माइनस टू, है ना, और नीचे भी देखो कुछ टर्म आएंगे तो इसको देखो याद रखना हमको, पहले आएगा x की पावर n और फिर आएगा n इंटू एन माइनस वन x की पावर n माइनस टू, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2n-1, फिर देखो यहां पर प्लस आएगा और ये टर्म देखो जाएगा n n माइनस वन एन माइनस टू और n माइनस थ्री और नीचे देखो बच्चों यहाँ पर टर्म जो है वो आएगा अपना 2 और 4 2n-1 और 2n-3 और x की पावर n-4 एंड सो ऑन। देखो ये एक n डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, जो pn है ना, ये हमारा एक टाइप का n डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये वैल्यू बच्चों हमको यहाँ पर याद रखनी होगी, ठीक है। इसको कहा जाता है, है ना, फर्स्ट काइंड का लेगेंड्रे फंक्शन या लेगेंड्रे पॉलिनोमियल। इस पी एन एक्स को कहा जाता है, है ना, लेगेंड्रे, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, या लेगेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, लेगेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री, ठीक है। तो ये जो बच्चों है यहाँ पर हमको याद रखनी होगी कि भाई पी एन एक्स ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ एन टर्म्स हैं और यहाँ भी एन फैक्टोरियल, एक्स की पावर एन, एन माइनस वन, ऐसे करके टर्म हमें याद रखने होंगे इसके, ठीक है। मतलब ये पी एन की यहाँ पर हमेशा वैल्यू निकल के आती है। देखो ध्यान दो, इसके बाद यहाँ पर एक बात को और जरा बच्चों समझो कि ये जो पी एन एक्स है इसको और भी अलग अलग तरीकों से यहाँ पर लिखा जाता है, बताएंगे आपको पी एन एक्स को लिखने के और भी अलग अलग तरीके होते हैं। अच्छा, क्यू एन देखो क्या है, क्यू एन को कहा जाता है लेगेंड्रे फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड। जो क्यू एन एक्स है इसको कहा जाता है लेगेंड्रे फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। क्यू एन एक्स की बच्चों जो वैल्यू है वो होती है एन फैक्टोरियल और नीचे आएगा देखो यहां पर अपना 135, ठीक है, एंड सो ऑन। और इसके बाद देखो यहां पर ये आएगा इसमें ब्रैकेट में एक्स की पावर माइनस ऑफ एन प्लस वन और प्लस आएगा एन प्लस वन एन प्लस टू और अपॉन में देखो आएगा 2 इंटू 2n प्लस 3, है ना, ऐसे करके देखो यहां पर टर्म आते हैं।
ठीक है, इसको हमें दिमाग में रखना पड़ता है कई बार। क्यू एन एक्स में इस तरीके के देखो यहां पर टर्म आएंगे, ठीक है, और यहां पर देखो साथ में ये इसके आएगा एक्स की पावर माइनस ऑफ एन प्लस टू, है ना, ऐसे करके देखो यहां पर ये टर्म आते हैं क्यू एन एक्स में, ठीक है। तो ये बच्चों पी एन एक्स और क्यू एन एक्स की वैल्यूज होती है, हमें ज्यादा पी एन एक्स पर फिलहाल फोकस करना है। क्यू एन एक्स सेकेंड काइंड का है, इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट काइंड का जो लिगेंडरी फंक्शन है पी एन एक्स, इसको यहां पर फोकस करेंगे और इस पर वेस्ट हमारे कई सारे क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं, ठीक है। ये एन प्लस वन है और यहां पर एन प्लस थ्री आएगा, सॉरी एन प्लस वन है, यहां पर एन प्लस थ्री आएगा, ऐसे करके देखो यहां पर ये टर्म्स जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने पी एन एक्स को यहां पर देखना है, आखिर ये पी एन एक्स पर वेस्ट कई सारे क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, तो ये पी एन एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको जरा सबसे पहले हम लोग यहां पर समझेंगे। देखो ध्यान दो, देखो जो पी एन एक्स होता है ना, इससे बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं, ठीक है। पी एन एक्स से बहुत से अलग अलग क्वेश्चन बच्चों यहां पर हम लोग निकालते हैं और ये सब क्वेश्चन जो है यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो जैसे कि देखो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है पी एन एक्स से, वो देखो ये बनता है, मैं ऊपर का मिटा देता हूं, पी एन एक्स को लिखा रहने देता हूं, क्योंकि तो यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, ये वैल्यूज हमें याद रहेगी तो वो सारे हम कर लेते हैं। देखो ध्यान देना, जैसे कि यहां पर क्या होता है, अगर हमसे पी नॉट एक्स की वैल्यू पूछी जाए, पी नॉट एक्स की वैल्यू, तो देखो यहां पर ध्यान देना, पी नॉट एक्स का मतलब एन की जगह हम जीरो पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर खाली वन, है ना, और नीचे यहां पर हो जाएगा जीरो फैक्टोरियल, और यहां पर भी एक्स की पावर जीरो यानी कि वन, तो कुल मिलाकर के ये वन आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर पी वन एक्स लेंगे तो केवल एक टर्म लेना होगा, तो ऊपर वन नीचे वन फैक्टोरियल, और एन की वैल्यू वन लेंगे तो एक्स की पावर वन यानी कि एक्स हो जाएगा, अगर हम केवल है ना एक वैल्यू लेते हैं, तो पी वन एक्स अगर हम यहां पर लेते हैं, देखो अगर हम यहां पर फॉर एग्जाम्पल पी टू एक्स को निकालते हैं, तो पी टू एक्स क्या होगा, मतलब यहां पर हमें दो टर्म लेने होंगे, तो वन इंटू थ्री और नीचे टू फैक्टोरियल, यहां पर भी देखो जैसे n की वैल्यू 2 है तो हम यहां तक जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर हम n को रखेंगे 2 तो x की पावर निगेटिव हो जाएगी, फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। यहां पर देखो क्या होगा, n को 2 रखना है तो x की पावर 2, और यहां पर भी n को 2, 2 इंटू वन 2, यहां पर भी n को 2 रखेंगे तो 2 इंटू थ्री, और ये हो जाएगा n की जगह 2 रखेंगे तो x की पावर 0, बस यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ये 3/2 हो गया और एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो गया 1/3, ठीक है। तो यहां से हमको बच्चों पी टू एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, 3 को चाहे तो अंदर ले लें, तो 1/2 ये हो जाएगा 3x² - 1, 3 को हम अंदर ले सकते हैं यहां पर, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार देखो अगर हम यहां से पी थ्री एक्स को निकालते हैं, तो पी थ्री एक्स को अगर हम यहां पर निकालेंगे तो फिर वही है कि हमको 3 टर्म लेने होंगे, तो क्या होंगे 3 टर्म, 1, 3, 5, और नीचे भी देखो 3 फैक्टोरियल, और यहां पर देखो x की पावर 3, और यहां पर n की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 इंटू 2, और 2 इंटू n को रखेंगे 3 तो 5, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की पावर 1, n की वैल्यू 3 लेंगे तो ये देखो सारा हो जाएगा 0, है ना, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, वैसे भी देखो यहां पर x की पावर नेगेटिव होगी जो हमको नहीं लेना है, तो बस यहीं तक हमको ये टर्म यहां पर लेने हैं, ठीक है। देखो इससे क्या होगा, यहां पर जो हमें रिजल्ट मिल जाएगा देखो वो मिल जाएगा 3 × 5 = 15 ऊपर आ जाएगा, और 15/3 फैक्टोरियल हो जाता है x^6, और ये हो जाएगा x³ और -3/5 × x, और चाहे तो हम इसको सिंप्लीफाई आगे कर सकते हैं, ठीक है,
इसको हम चाहें तो और भी आगे सिंप्लीफाई यहां पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5/2 और x³ - 3/5x। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड बच्चों यहां पर ये टॉपिक है, 5 को अंदर ले लेंगे तो हो जाएगा 5x³ और माइनस का 3x। तो ये बच्चों p3x की वैल्यू यहां पर हमारी आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम p3 की वैल्यू p4 p5 भी यहां पर आगे निकाल सकते हैं चाहे तो कोई भी टर्म अगर हमसे ऐसा पूछा जाएगा तो हम यहां पर उसको निकाल सकते हैं। p4 में क्या होगा, n की जगह 4 रखेंगे, यहां से 4 टर्म ले लेंगे, 1 3 5 7, नीचे 4 फैक्टोरियल, n की जगह 4 4 और यहां भी 4 रखेंगे, है ना। ये बात यहां पर ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम लोग आगे की वैल्यूज भी यहां पर निकाल सकते हैं। तो ये pnx को हमें याद रखना है सबसे पहले। अब देखो जैसे यहां पर क्वेश्चन किस टाइप का बनता है इसको जरा हम लोग थोड़ा सा देखें। जैसे ये सारी वैल्यू p0 p1 p2 ये याद रखेंगे तो हमेशा अच्छा रहेगा। देखो जैसे यहां पर कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इसके बन जाते हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं अक्सर। देखो जैसे कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाए और उस एक्सप्रेशन को कहेंगे कि लेगेंड्रे पॉलिनोमियल में चेंज करेंगे। जैसे कि मान लो हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, हमसे कहा जाए एक्सप्रेस 4-5x इन लेगेंड्रे पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लो हमें इसमें इसको चेंज करना है, मतलब जैसे कि x को हटाना है और कांस्टेंट टर्म की जगह देखो क्या होगा। जैसे इस प्रकार का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, जैसे 4 है तो 4 × 1 लिख लेंगे और 5 × x देख लेंगे। देखो 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब हो गया p0, तो 4p0। देखो ध्यान रखना, जब भी मैं खाली p0 लिखूंगा तो इसका मतलब p0 × x नहीं, मतलब p0 फंक्शन ऑफ x। जब हम खाली p1 लिखेंगे तो इसका मतलब p1 ऑफ x, मतलब p1 जो है एक प्रकार का पॉलिनोमियल है वो x का फंक्शन है, p0 भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है वो x का फंक्शन है। तो p0 का मतलब p0x, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बताया था pnx को खाली pn भी लिखा जा सकता है। अच्छा 5 × x है तो 5 × x है, x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब हो गया p1। तो ये देखो इसको हमने लेगेंड्रे पॉलिनोमियल में चेंज कर दिया, है ना। p0 का मतलब p0x। देखो ध्यान रखना ये जो x है ये x मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है नहीं कि 5 फंक्शन ऑफ x, ऐसा नहीं है भाई, यहां पर तो ये 5x से मल्टीप्लाई है। इसका बता रहा हूं मैं, जब भी हम p1 ऑफ x लिखेंगे मतलब p1 खाली, है ना, p0 ऑफ x लिखेंगे तो खाली p0, p2 ऑफ x लिखेंगे तो खाली p2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चन जो है यहां पर आसानी से निकाल देंगे। देखो जैसे ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमको दिया जाए कि हमको उसको लेगेंड्रे पॉलिनोमियल में चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन है 2-3x + 4x² और इसको हमें लेगेंड्रे पॉलिनोमियल में चेंज करना है। मान लीजिए तो इजी है, देखो 2 को लिखेंगे 2 × 1, 3 × x और 4 × x² 1 का मतलब हो गया p0, तो 2p0, 3 × x, x का मतलब हो गया p1, x² देखो ध्यान देना x² की जो वैल्यू है वो यहां से निकलेगी। देखो p2 क्या है, p2 है 1/2 3x² - 1, तो 2p2 बराबर 3x² - 1, तो 3x² = 2p2 + 1, तो x² हो गया 1/3 और 2p2 और 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब हो जाएगा p0। तो देखो ये हो गया 4 × x² क्या है, x² है 1/3 और ब्रैकेट में 2p2 + p0 और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। वैसे p0 के टर्म आपस में ऐड कर लेंगे, p1 कर लेंगे, p2 अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लेगेंड्रे पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगा। देखो ध्यान देना जैसे यहां पर क्या था ना, 1 था तो 1 को हमने फिर p0 लिखा, ये बात यहां पर नहीं भूलनी है, है ना। जैसे यहां पर 1 आया था तो 1 को मैंने फिर से यहां पर p0 में चेंज किया, मतलब 1 को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई यहां पर कर सकते हैं। देखो
जैसे कि मान लो एक्स क्यूब का टर्म अगर आ जाए तो एक्स क्यूब के टर्म के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी पी थ्री की। जैसे कि एक्स क्यूब का टर्म अगर कभी भी आ जाए तो हम एक्स क्यूब के लिए पी थ्री की हेल्प लेंगे। जैसे कि मान लो अगर हमसे ये कह दिया जाए कि भाई एक्स क्यूब को लिगेंड्रे पॉलिनोमियल में लिखिए, बस समझो। जैसे कि मान लो क्वेश्चन ये आ जाए कि एक्स क्यूब का टर्म दे दिया जाए और इसको लिगेंड्रे पॉलिनोमियल में लिखना, तो देखो ध्यान दो इसकी हेल्प लेंगे। देखो पी थ्री क्या है, P3 है यहां पर 1/2 5x³ - 3x। तो यहां से क्या होगा, देखो हम x³ की वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 2 × P3 और बराबर 5x³ - 3x। तो देखो यहां से x³ क्या आ गया, x³ आ गया 2p3 + 3x/5। देखो ये यहां से x³ की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो p3 तो p3 रहेगा, p3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हम क्या करेंगे x, x की जगह पर p1 लिख लेंगे, ध्यान रखना। तो ये हमारा x³ की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर कहीं भी हमें x³ का टर्म दिया जाए तो x³ के टर्म को इस तरीके से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। तो मतलब ये जो हम लोगों ने पी एन को पढ़ा था उससे रिलेटेड हम लोगों ने चीजों को देखा है यहाँ पर, ठीक है। अभी और भी चीजें देखेंगे, देखो ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर एक बार और समझो, ये जो पी एन है ना, पी एन इसी को लेकर के सारा का सारा यहाँ पर खेल है। मतलब पी एन को लेकर के ही सारी चीजें यहाँ पर अलग अलग तरीके से बनाई गई कि भाई पी एन कैसे निकाला जाए और क्यू एन कैसे निकाला जाए। पी एन क्यू एन आ गया तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इन चीजों को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया गया। देखो जैसे मैंने आपको पी एन की अभी एक वैल्यू बताई, अब देखो क्या होता है, पी एन को निकालने का एक तरीका और भी होता है। पी एन को निकालने के दो तीन अलग अलग तरीके हैं, सब हम लोगों को पढ़ने हैं और वो सारे के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी है। देखो ध्यान दो बच्चों, क्या होता है कि बात को समझो, एक थ्योरम होती है, ये थ्योरम कहती है कि 1 − 2xz + z²·(−½) = σz·(nPnx). देखो ये बच्चों यहां पर थ्योरम कहती है, जहां पर मॉड एक्स जो है वो भी लेस देन वन होगा और मॉड जेड भी लेस देन वन होगा। जेड भी एक प्रकार का वेरिएबल है ना, मॉड एक्स लेसर इक्वल टू वन होगा और मॉड जेड लेस देन वन होगा। मतलब यहां पर इक्वल होगा, यहां पर इक्वल नहीं होगा, ये केवल लेस देन वन होगा, ठीक है। एन जो है वो हमेशा जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक जा सकता है। एन क्या है, एन हमेशा ध्यान रखना यहां पर पॉजिटिव इंटीजर होता है या जीरो भी हो सकता है, ठीक है। एन जो है एक प्रकार का इंटीजर है और वो जीरो भी हो सकता है या फिर वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। देखो ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसके एक्सपेंशन में जो जेड की पावर एन का कोफिशियंट होगा वो पी एन एक्स होगा। मतलब जो पी एन एक्स होता है, पी एन एक्स जो होता है ये होता है कोफिशियंट ऑफ जेड की पावर एन इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये बात यहां पर आप समझिए, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 − 2xz + z²·−½। मतलब जो हमारा पी एन एक्स होता है वो होता है इस पूरे के एक्सपेंशन में z की पावर n का कोफिशियंट। ये बात जरा यहां पर ध्यान दीजिए, मतलब z की पावर n के एक्सपेंशन में अगर हम, मतलब इसके एक्सपेंशन में अगर हम z की पावर n का कोफिशियंट निकालेंगे तो वो कोफिशियंट क्या होगा, हमारा पी एन एक्स होगा। तो ये बात हमको याद रखनी है, मतलब ये पी एन को निकालने का बड़ा ही अच्छा तरीका होता है। जैसे इस पर बेस देखो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, और इस टर्म को हम जनरेटिंग फंक्शन भी कहते हैं। ये जो टर्म है ना जिसकी हेल्प से ये आ रहा है, तो इस टर्म को हम जनरेटिंग फंक्शन भी कहते हैं पी एन एक्स का, ठीक है।
जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पी एन एक्स। इस टर्म को हम पी एन एक्स का जनरेटिंग फंक्शन भी कहते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पी एन वन की वैल्यू बताइए, पी एन वन क्या होगा। देखो जैसे अभी हम लोगों ने क्या क्या निकाला था, अभी हम लोगों ने इसके पहले पी नॉट एक्स निकाला था, है ना, पी वन एक्स निकाला था, पी टू एक्स निकाला था, अभी हम लोगों ने ये टर्म निकाले थे, याद है, अभी हम लोगों ने ये टर्म निकाले थे। देखो जैसे जैसे कि ये जो टर्म हम लोगों ने निकाला था, है ना, तो इसमें हम x को कुछ भी रख दें तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हम p नॉट 1 भी निकाल सकते हैं, हम p1 1 भी निकाल सकते हैं, हम p1 2 भी निकाल सकते हैं। भाई अगर हम x की वैल्यू इसमें कुछ भी रख दें तो वैल्यूज हमको अलग अलग मिल जाएंगी, अभी जो निकाला था हम लोगों ने। लेकिन ये pn ऑफ 1 है, ध्यान देना। अब ये जो जिस मेथड से हमने इसको निकाला था वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये तो पी एन हो गया ना, पी एन में तो फिर वही एन टर्म हो गए। एक्स को कहां कहां तक क्या क्या रखोगे भाई, जो पी एन एक्स वाला एक्सपेंशन था अपना, उस एक्सपेंशन में अगर हम एक्स को वन रखेंगे तो पी एन वन तो निकल आएगा, लेकिन तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना वहां, तो वो तो बहुत आगे तक एन टर्म तक जा रहा था। एक्स की जगह जहां जहां हर जगह हमको वन 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 रखना होगा, तो वो इतना आसान नहीं बच्चों उस मेथड से इसको करना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये हमेशा इसी मेथड से हम करते हैं। दो कैसे करना होगा, इजी है। देखो होता क्या है बच्चों यहां पर कि हमको पी एन वन निकालना है, तो इसी एक्सपेंशन में सबसे पहले हम एक्स को वन पुट कर दें, इस एक्सपेंशन में हम क्या करें एक्स को वन पुट कर दें इसी में, क्योंकि पी एन वन तभी आएगा। तो एक्स बराबर वन रखेंगे तो क्या होगा, वन माइनस टू जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, और एक्स बराबर वन यहां रखोगे तो सिग्मा जेड की पावर एन पी एन वन हो जाएगा। ठीक, देखो ये क्या हुआ, ये हो गया अपना क्या बोलो, ये हो गया वन माइनस जेड का होल स्क्वायर, पावर माइनस हाफ है तो पावर माइनस वन बचेगी, और ये हो गया सिग्मा जेड की पावर एन पी एन वन, मतलब अब हमें जेड की पावर एन का जो कोफिशियंट है वो चाहिए। इसको एक्सपेंड करो, इसका एक्सपेंशन हम जानते हैं ना बाइनोमियल थ्योरम से, भाई आप समझिए बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n अगर करते हैं तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता है बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। तो इसी में अगर हम n को माइनस वन रख दें तो हो जाएगा क्या, 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। और इधर देखो क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा जेड की पावर एन पी एन वन। देखो ध्यान देना इसमें जेड की पावर एन का टर्म भी आएगा और उसका कोफिशिएंट क्या होगा, वन होगा, और यहां पर जेड की पावर एन का कोफिशिएंट क्या है, पी एन वन है, तो इसका मतलब पी एन ऑफ वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर भी जेड की पावर एन का जो कोफिशिएंट है उसके साथ केवल और केवल वन आएगा, तो हमें यहां से पी एन ऑफ वन की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा मेथड होता है जिससे हम कई वैल्यू निकालते हैं, जैसे और भी कई क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को लिख के लाया हूँ, इतने सारे क्वेश्चन बच्चों याद नहीं रहते हैं इसलिए मैं यहाँ पर देखो लिख के लाया हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में देखो यही चीज है कि हम इसी में पी एन ऑफ माइनस वन निकाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बस यही हमको बच्चों यहाँ पर सीखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें जो है वो बहुत बड़े बड़े एक्सटेंशन अभी नहीं करने हैं, ये बात ध्यान दो। देखो समझो क्या होता है बच्चों यहाँ पर कि एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर ऐसे है, क्वेश्चन ये है कि पी एन ऑफ माइनस वन बराबर माइनस वन की पावर एन, ऐसा बच्चों हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है या इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इजी है, देखो यहीं से निकलेगा, इसी में देखो हम क्या करेंगे x को माइनस वन ले लें, तो अगर हम x को माइनस वन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस टू जेड प्लस जेड स्क्वायर,
पावर माइनस हाफ और सिग्मा जेड की पावर एन पी एन ऑफ माइनस वन। देखो ये वन प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वन प्लस जेड की पावर माइनस वन हो जाएगा और ये सिग्मा जेड की पावर एन पी एन माइनस वन। देखो जेड की पावर एन का ये कोफिशियंट हो जाएगा। फिर से इसमें अगर हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से आता है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो जब हम करते जाएंगे तो क्या होगा, एक्चुअली माइनस वन की पावर एन जेड की पावर एन हमको यहां पर मिलेगा। ध्यान रखना पावर नेगेटिव होती है तो ये एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक जाता है। तो यहां पर देखो क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा जेड की पावर एन और पी एन माइनस वन। तो जेड की पावर एन का देखो जो कोफिशियंट है वो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया पी एन माइनस वन और इधर जेड की पावर एन का कोफिशियंट क्या हो गया, माइनस वन की पावर एन हो गया। देखो ध्यान देना, इसको माइनस वन की पावर एन क्यों लिया है, क्योंकि एन को वन रखेंगे तो हमारा हमको यहां पर देखो ये एन को जीरो पुट करेंगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, एन को वन रखेंगे तो ये मिल जाएगा, एन को टू रखेंगे तो ये मिल जाएगा। इस तरीके से देखो हमको यहाँ पर टर्म सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसकी हेल्प से यहाँ पर निकाला, इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों तो क्या होगा, अच्छा देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखो यहाँ पर अच्छा है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इसमें क्या है, पी एन डैश ऑफ वन चाहिए, मतलब इसको मिटा देते हैं, इसका काम फिलहाल जो है यहाँ पर खत्म हो गया है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बच्चों यहाँ पर पूछे जा सकते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आने वाले, और अगर आ गए तो आधे घंटे का क्वेश्चन तो हम कोई करेंगे नहीं। तो इसलिए मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखें और उनकी हेल्प से जो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर निकल रहे हैं उनको निकालें, है ना, और इतना ही पढ़ लेंगे तो हमारा सारा हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ हमें कोई बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतना अगर हमने पढ़ लिया तो हम आसानी से इसको कर पाएंगे। जैसे कि हमको एक क्वेश्चन यहां पर करना है, क्वेश्चन ये है कि पी एन डैश ऑफ वन की वैल्यू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये हमको प्रूव करनी है। पी एन डैश ऑफ वन की वैल्यू हमको यहां पर ये प्रूव करनी है। देखो ध्यान दो ये कैसे होगा, देखो क्या होता है बच्चों, ये जो पी एन एक्स है ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, मैंने बताया था भाई, जैसे कि मैंने क्या बताया था कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई डबल डैश माइनस टू एक्स वाई डैश एन एन प्लस वन इंटू वाई बराबर जीरो। इसका सोल्यूशन ये निकलता है ए इंटू पी एन एक्स और प्लस बी इंटू क्यू एन एक्स। देखो ध्यान दो, अगर मैं बी को जीरो ले लूँ और ए को वन ले लूँ क्योंकि ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, तो y बराबर पी एन एक्स इसका सोल्यूशन हो जाएगा, y बराबर पी एन एक्स सोल्यूशन हो जाएगा। तो मतलब मैं इसमें y की जगह पी एन एक्स को रख सकता हूं। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई डबल डैश का मतलब पी एन डबल डैश एक्स माइनस टू एक्स और पी एन डैश एक्स प्लस हो जाएगा n n प्लस वन पी एन एक्स बराबर जीरो। ऐसे देखो यहां पर ये हो जाएगा। देखो अब हमें चाहिए क्या, हमें देखो एक काम करो, वन चाहिए तो x को वन रख दो पहले। जब आप इसमें x को वन रखोगे टर्म जीरो हो जाएगा, तो माइनस टू पी एन डैश वन और प्लस n n प्लस वन और पी एन वन बराबर जीरो। देखो यहां पर ध्यान दो क्या होगा, देखो यहां से पी एन डैश वन की वैल्यू हो जाएगी n इंटू एन प्लस वन पी एन वन अपॉन टू, ये हो गई। और पी एन वन की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी जो कि वन थी, तो हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। देखो ये यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी पी एन डैश वन की। सिमिलरली अगर हम पी एन डैश माइनस वन भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। देखो उसको भी निकाल लेते हैं,
पी एन डैश, यही क्वेश्चन लिखा रहने दें, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी यहाँ पर। अच्छा इसी से हो जाएगा, चलो जैसे कि मान लो हमको पी एन डैश ऑफ माइनस वन चाहिए है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको चाहिए है फॉर एग्जाम्पल पी एन डैश ऑफ माइनस वन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे हमें ये क्वेश्चन चाहिए, हमें चाहिए है पी एन डैश ऑफ माइनस वन की वैल्यू चाहिए, तो यहीं से कर लेंगे, जैसे हमने ये लिखी थी ना एक क्वेश्चन, इसको लिख लेंगे। अब इसमें x को हम माइनस वन रख दें, देखो अगर हम x को माइनस वन रखेंगे तभी ये वन माइनस वन तो जीरो हो जाएगा, तो पी एन डबल डैश माइनस वन, और x को रखेंगे माइनस वन तो प्लस टू, और पी एन डैश ऑफ माइनस वन, और यहां पर हो जाएगा n, n प्लस वन पी एन ऑफ माइनस वन बराबर जीरो। ठीक है, ये सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये तो जीरो हो जाएगा, सॉरी ये जीरो हो जाएगा टर्म, क्योंकि x को रखा है माइनस वन। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया पी एन डैश ऑफ माइनस वन बराबर, ये हो गया माइनस एन, एन प्लस वन पी एन ऑफ माइनस वन, और टू को यहां पर हम नीचे ले लें। देखो ध्यान देना, अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी पी एन ऑफ माइनस वन की, ये आई थी माइनस वन की पावर एन, तो क्या होगा इसकी जगह लिख देंगे हम माइनस वन की पावर एन, और ये क्या है, ये है देखो माइनस वन, ये है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो इसको माइनस वन की पावर एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू लिख सकते हैं। एक बात और समझना ध्यान से, इसमें देखो एक काम ये करें, अगर हम इसी में जैसे माइनस वन है, माइनस वन पहले से था, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू था, हम माइनस वन से मल्टीप्लाई माइनस वन से डिवाइड करें तो ऊपर ये प्लस वन हो गया, तो माइनस वन की पावर एन और एन इंटू एन प्लस वन बाई टू हो गया। देखो ये माइनस वन की पावर वन है, तो ये पावर से पावर माइनस होगी, तो ये n माइनस वन भी हो जाएगा, तो मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से बच्चों यहां पर देखो ये सही है, बस समझे। देखो एक और यहां पर अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं देखो उसको भी, इजी है सारी चीजें, क्योंकि है ना मतलब बहुत बड़े बड़े सवाल तो यहां आएंगे नहीं, यही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और ये हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेंगे एक बार, तो हमें कोई दिक्कत कहीं पर से नहीं होने वाली, ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखो क्या होगा बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम करें, देखो क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से है कि पी एन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन की पावर एन पी एन एक्स, ये हमको यहां पर प्रूव करना है। पी एन ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस वन की पावर एन और पी एन एक्स, ये हमको यहां पर प्रूव करना है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रहे तो अच्छा भी है, है ना, याद रहे तो अच्छा भी है। देखो हम लोग ये बात जानते हैं कि 1 माइनस टू एक्स जेड, जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ये होता है सिग्मा जेड की पावर एन पी एन एक्स, और एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। देखो इसी में अगर हम एक्स को माइनस एक्स पुट कर दें दोनों जगह, तो ये 1 प्लस टू एक्स जेड, जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ सिग्मा जेड की पावर एन पी एन माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर हम जेड को माइनस जेड रख दें तो क्या होगा, है ना, देखो ये हो गया 1 प्लस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ
ये हो गया सिग्मा और माइनस जेड की पावर एन पी एन एक्स, ऐसे हो गया। अब देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो राइट को राइट के बराबर कर दो। तो जब हम राइट को राइट के बराबर करेंगे तो मतलब ये इसके बराबर हो गया, तो हो गया सिग्मा जेड की पावर एन पी एन ऑफ माइनस एक्स, और ये हो गया सिग्मा माइनस वन की पावर एन जेड की पावर एन और पी एन ऑफ एक्स। तो ध्यान दो, अब हम जेड की पावर एन का कोफिशियंट इक्वल कर दें तो ये क्या हो गया पी एन ऑफ माइनस एक्स, और यहां पर देखो कोफिशियंट क्या हो गया माइनस वन की पावर एन और पी एन ऑफ एक्स। तो ये रिजल्ट देखो हमने यहां पर बच्चों प्रूव कर दिया, काफी इजी है। अब इसमें n को इवन ऑड भी रख सकते हैं, जैसे n अगर इवन होगा तो ये वैल्यू प्लस वन हो जाएगी, n अगर ऑड होगा तो ये वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। n को इवन ऑड कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। देखो एक, अब देखो यहां पर छोटे छोटे क्वेश्चन कई इस प्रकार के बन जाते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, जिनको हम कर सकते हैं, कि जैसे इसी में ये लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को भी लगा देते हैं, आसान क्वेश्चन है, हम लोग कर सकते हैं। मतलब देखो कैसे, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि भाई क्वेश्चन जो है वो ये लोग कैसे करते हैं, देखो समझो ध्यान से। क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि इंटीग्रल माइनस वन टू वन पी नॉट एक्स की वैल्यू निकालिए, तो इजी है। हम लोगों ने देखा था बच्चों जो अपना पी नॉट एक्स होता है वो वन होता है, हम लोगों ने देखा था पी नॉट एक्स क्या होता है वन होता है, तो इसकी जगह वन लिख देना है बस, तो वन का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा माइनस वन और वन, तो आंसर टू आ गया, सवाल खत्म हो गया। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि इंटीग्रल माइनस वन टू वन और p1 of x dx कह दिया जाए, तो इसको भी कर सकते हैं। कैसे बोलो भाई, p1 of x की वैल्यू क्या होती है x, अब इसको इंटीग्रेट करो, तो बच्चों का सवाल हो गया, कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन भी इनका पूछा जा सकता है हमसे, है ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो ये कह दें कि dy dx of p2x की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं कि भाई p2x क्या होता है, ये 1 बाई टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल हो जाएगा। देखो एक छोटी सी बात और याद रखो, पी एन एक्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 अपॉन टू की पावर n, n फैक्टोरियल डी एन अपॉन डी एक्स की पावर n, है ना, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n। तो पी एन एक्स को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, ध्यान देना, पी एन एक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी होता है, इसको जो है वो ये रॉड्रिक फार्मूला के नाम से ये जाना जाता है, है ना, ये इस फार्मूले के नाम से जाना जाता है, मतलब पी एन एक्स को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो मतलब चीजें इजी हैं, लेकिन बच्चों सारे के सारे रिजल्ट हमको याद रखने पड़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, ओके बेटा, बाय बाय।